हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, स्वागत है फिर से एक और न्यू ब्लॉग्स में। दोस्तों अभी सुबह के 4 बज रहा है और अभी मैं जग चुका हूँ, तो चलिए भी दोस्तों फिलहाल चलते हैं बाथरूम से, टॉयलेट से आते हैं, नहा वहा कर करके। तो चलिए ले लिए भैंस निकालना। दोस्तों अभी आ गया टॉयलेट से, अभी चलते हैं भैंस सबको निकाल देते हैं। भैंसी को निकालना है तो भैंसी भी निकाल लेते हैं। बोला बैठा जी है तो पूछते कहाँ से आवे ना थे। है मैं है ना दोस्तों, हो गया भैंसी निकाल दिए और अभी चलते हैं हाथ मुंह धो लेते हैं। तो दोस्तों अभी आ गया मुँह हाथ साफ करके और देखिए आज श्रवण भी जग चुका है, तो अभी चलते हैं मुँह पूछ लेते हैं कपड़ा से। और मुँह पूछ लिए, अभी चलते हैं थोड़ा सा बुक हिट करते हैं, वहाँ पे बुक रखे हैं, डबा रखा है, डबा में रखते हैं श्रवण। बैठो उत्तर से चलिए भीतर जो तो मैं भी आ गया भीतर। और कृष्णा क्या करेगा था? सुते ये सुतेगा, आराम करेगा, मैं किताब पढ़ूंगा। चलिए पढ़ते हैं और लगभग आधे एक घंटा समय मिला पढ़ने के लिए, क्योंकि अभी सवा चल रहा है, पढ़ते हैं उसके बाद में फिर चलेंगे घूमने सरे की तरफ, पढ़ लेते हैं एक घंटा। तो दोस्तों अभी हमने किताब पढ़ लिया और इसमें श्रवण देखते हैं सो गया है। अभी टाइम दोस्तों अभी 5 बज चुका है, फ्रेश हो चुका है, तो चलते हैं अब सरे की तरफ घूमने। देख सकते हैं पूरी तरह से फ्रेश हो चुका है। दोस्तों अभी आ गया हूँ सरे की तरफ घूमने और दोस्तों अभी आ गया हूँ बीच सरे में, तो देख सकते हैं। और दोस्तों सूर्योदय भी हो चुका है, अब बहुत ही ठंडा मौसम है सुबह सुबह का, तो चलते हैं दोस्तों यहाँ तक आ गए हैं, यहाँ से घूम करके अब चलते हैं दोस्तों घर पे। कपड़ा भी सरियाना है, टाइम 5:30 हो गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 बज जाएगा घर पे। तो दोस्तों अभी आ गया घर पे और अभी चलते हैं, आज है गमछा भी काटना है, दो चौका है काटने का, गमछा काटेंगे। पहले सबको सरिया लेते हैं जो जो कमी है से सरिया करके, उसके बाद में गमछा काटेंगे, उसके बाद सरियाएंगे गमछा। चलिए सबको सरिया करके फिर मिलते हैं। तो दोस्तों टाइम अभी 7:30 हो गया है और मेरा माल सरियाया हुआ भी हो गया, देख सकते हैं इधर गमछा और झोला और कैरेट सब तैयार हो चुका है। अभी 7:30 हो रहा है तो चलते हुए दोस्तों ब्रश करते हैं और स्नान करते हैं, ब्रश स्नान करके और फिर मिलते हैं लगभग 8:15 बजे के आसपास। चलते हैं दोस्तों, मोटर चालू कर लिए और पानी भर लेते हैं।
पानी आ गया इधर। तो चलिए उसको पानी नहीं उठाते हैं, नहा वहाँ लेते हैं, उसके बाद में फिर मिलते हैं नहाने के बाद। तो अभी हमने स्नान स्नान करके पूजा वूजा करके पूरी तरह से रेडी हो चुका हूँ और अभी चलते हैं दोस्तों, खाना खाते हैं उसके बाद में निकलेंगे। और हमारे साथ देख सकते हैं कृष्णा भी, सरवन भी स्नान कर लिया है, तो चलिए फिलहाल चलते हैं खाना खाते हैं। घर से निकल चुका हूँ, हम अपने गाँव के गोहिरा में हूँ, तो घर से भी निकला हूँ अभी दोस्तों, अभी एक भी गाँव घूमा भी नहीं हूँ, तो चलते हैं। टाइम कितना हो गया है, टाइम दोस्तों 9 बजने में 2-3 मिनट बाकी है, तो चलते हैं घूमते हैं और फर्स्ट बोनी होने के बाद फिर मिलते हैं। फाइनली अभी हमने दो गांव घूमा है, दो गांव में मात्र 120 रुपये का सेल हुआ है, दो गमछा और एक बंडी, और ऐसे 2-3 आदमी रुकाया है लेकिन कोई नहीं दिया है उधार, लगभग 350 रुपये उधार भी नहीं मिला है, वही 120 रुपये से बोनी तो हो गया है। अभी दोस्तों चलते हैं, फिलहाल घूमते हैं, 10 बज चुका है, अभी चलते हैं चंडिया गांव है, चंडिया गांव घूम के फिर चलते हैं। इधर जो है ना कच्ची रास्ता है, सरेह वाला रास्ता है, सकते हैं किस तरह का पहरा है, बारिश हो जाएगा तो ये सोकर के जो है ना आने में नहीं बनेगा, नहीं बारिश है तो ठीक है। तो इधर जो है ना लगभग 15-20 घर का टोला है, तो इसी गाँव में बिका है लगभग 700-800 का, गिनती नहीं किया, देखते कितना का सेलिंग हुआ है। अभी दोस्तों सब कुर्ती उर्ती से बिका है ना, तो सब सीट आ गया हुआ है, तो सबको अच्छे से सरिया लेते हैं, देख सकते हैं सब छिटा गया हुआ है, सबको सरिया लेते हैं उसके बाद में चलेंगे, क्योंकि दोस्तों कपड़ा कम बेस बिके लेकिन संभालना बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो अगर नहीं संभालेंगे तो जल्दी ही ज़्यादा गायब हो जाएगा, इसलिए बेचने से ज़्यादा संभालने पर ध्यान देना होता है। और से जो है ना आज ज़्यादा धूप है, और आज जो है ना पिछले गाँव में भी 100 रुपये का सेल हुआ है, और उस बांस में रुका हुआ था वहाँ पर सारे कपड़ा को मिलाया हूँ, और थोड़ा देर लगभग 15-20 मिनट रुका उसके बाद में चल दिया हूँ, तो दोस्तों अभी चलते हैं। और अगला गांव जो है ना गरबा है, गरबा पछियाई गला घूमते हैं, देखते कितना कैसे होता है उसके बाद में फिर मिलते हैं। दोस्तों अभी टाइम 5 बजने वाला है, और देख सकते हैं इधर हमारा गाड़ी लगा हुआ है, यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी का दर्शन कीजिए, और दोस्तों यहीं पर कल है तो पानी भर लेते हैं और पीते हैं, और मुँह हाथ दोस्तों पोंछ लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतना ज़्यादा गर्मी है कि चक्कर आ रहा है, वहाँ पोंछ के फिर यहाँ से चलते हैं। एक गाँव एक घंटा और समय है, एक घंटा घूमेंगे उसके बाद में चलेंगे, पानी भर लेते हैं, पानी दोस्तों है ठंडा खूब, मुँह हाथ पोछेंगे पानी भर के चलेंगे, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों अभी टाइम 6:30 हो रहा है, और अभी मैं सीधे चलता हूँ घर की तरफ, क्योंकि दोस्तों घर भी अभी नहीं जाना है, अभी चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा जो है ना गाना गिर भी रखा हुआ था तो उसको छुपराने के लिए चलना है, तो यहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर अभी गांव में घूम ही रहा था, तो आज चल रहे हैं, पैसा बहुत जुगाड़ से इकट्ठा किए हैं, तो चलते हैं गाना को जो है ना छुड़ा के लाना है, तो चलते हैं सोना दुकान पर और फिर मिलते हैं दोस्तों। तो अभी आ गया है दुकान में, वहाँ पर गाड़ी लगा दिया हूँ देख सकते हैं उधर, और अभी चलते हैं सामने दुकान है, यही दुकान है, सोया हुआ है भैया, ओ सुत रहा है, दुकान पे नींद आवे छे, आ खाना नहीं इधर बनाओ छे, गैस देखे छे, अच्छा काम हो छे। तो दोस्तों अभी मैं पैसा दे रहा हूँ, 20,000 रुपया लिया हुआ था, तो ब्याज व्याज जो करते है ना ज़्यादा होता है, तो सारे जितना देना है उनका देते हैं, भैया इधर गिनती कर रहे हैं देते हैं, तो चलिए पैसा वो सब दे देते हैं, उसके बाद में सामान लेंगे और उसके बाद चलेंगे, चलिए फिलहाल सबको लेंगे पैसा, पहले पुराना है तो चलिए दोस्तों पैसा तो दे दिए, लेकिन वो सामान जो है ना भाई बोल रहे हैं कि सामान क्या बोलते हैं उनको,
मालिक हाँ, और मालिक जहाँ से माल लाते हैं जिसके पास जिसके साथ काम करते हैं वो रखते हैं, तो आज पैसा जमा किए हैं तो कल लेकर आएंगे तो देंगे पैसा सामान, चलिए पैसा जमा कर दिए और चल चलते हैं। चलिए शाम के 7 बजे पहले, चलिए दोस्तों चलते हैं, पैसा जमा कर दिया है कल शाम को फिर आएंगे, फिर के बाद पूर्जा जो दिए हुए ना वो बोल रहे हैं लाने के लिए, लेते आने के लिए लेकर आएंगे, चलते हैं, हमारा गाड़ी इधर लगा हुआ है, अंधेरा भी हो गया। तो चलिए दोस्तों अभी चलते हैं घर पे, और दोस्तों से की बात करें तो आज अच्छा हुआ है, लेकिन दोस्तों एक टेंशन ख़त्म हो गया, और चलिए कल जो सामान लेंगे वो कल के वीडियो में देखने को मिलेगा, आज का इस वीडियो के लिए बैन कर देते हैं, कल सुबह कॉल।